सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको आपके इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपको हम छोटे छोटे से उपाय जो है हमेशा देते रहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, आपके साथ में लाइव सेशन में जुड़ते हैं, लाइव पे आप लोगों की फ्री में कुंडली डिस्कशन करते हैं। तो पूरे लॉकडाउन से लेकर अब तक हम लोग आपके जो है दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव सेशन में जुड़कर आप लोगों की फ्री कुंडली एनालाइजेशन जो है वो लोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि हमारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने लग जाता है कि आज जो है शुक्रदेव इस राशि में चले गए हैं, उस राशि में चले गए हैं, सूर्यदेव ने बदली है चाल और मंगल इस राशि में चले गए हैं। तो हम वो आपको समय समय पर बताते रहते हैं। आज मैं आपके साथ में आई हूँ दिवाली के टाइम पर हो रहा है शुक्र का राशि परिवर्तन। जी हाँ, दीपावली सर पर है और शुक्रदेव जो है वो कल 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 30 अक्टूबर से लेकर शुक्रदेव 8 दिसंबर तक रहेंगे धनु राशि में। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति इसके लॉर्ड है। आपको पता है कि बृहस्पति को 5-5 घर मिले हुए हैं काल पुरुष की कुंडली में, 5 घरों का मालिक है बृहस्पति। और बृहस्पति आपको पता है कितना सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो बृहस्पति है हमारे सौर मंडल का। और लेकिन सबसे चमकीला जो प्लैनेट है, सबसे चमकीला और रोशनी और प्यार मोहब्बत रोमांस लग्जरी से भरा हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो कि अब धनु राशि में जाएगा। और एक तरफ शुक्र जो है चकाचौंध के मालिक है, लग्जरी के आपके जो है ये पूरी जो सोशल मीडिया है और जो पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट सेक्टर है ये सब शुक्र के कंट्रोल में है। जितने भी फिल्मी जगत की दुनिया है सब शुक्र के कंट्रोल में है। लेकिन जो है साथ में क्या है कि गुरु की राशि में जाकर शुक्र देव अपना उतना प्रभाव जो है वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन पिछले महीने से आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। पिछली बार शुक्रदेव जो है वो वृश्चिक राशि में थे और वहां पर केतु भी विराजमान थे तो शुक्र केतु की युति बनी हुई थी। अब शुक्र निकलकर धनु राशि की तरफ बढ़ेंगे और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि में बढ़कर मेष से लेकर मीन तक के लोगों का क्या हाल रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शुक्रदेव जो है 30 अक्टूबर को शाम को 4:09 पर अपना राशि परिवर्तन जो है वो कर लेंगे, यानी कि वो धनु राशि में आ जाएंगे। यहां पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है क्योंकि शुक्र जो है वो 3 नक्षत्रों का परिवर्तन करेंगे, 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे 8 दिसंबर तक। तो 30 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर तक शुक्रदेव जो है वो ये गोचर जो करेंगे 3 नक्षत्रों में जाएंगे। सबसे पहले तो वो 30 अक्टूबर को जब वो राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 4:08 पर तो वो मूल नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां मूल नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र होता है। अब ये केतु और शुक्र की मित्रता भी है, केतु शुक्र के साथ में सम रहता है क्योंकि केतु ऐश करवाता है, शुक्र लग्जरी देता है। तो अगर थोड़ा सा बीमारियों को अगर अलग से कर लिया जाए तो पैसे इस नक्षत्र परिवर्तन में पैसा आप लोगों के पास में खूब आएगा, खूब आप खर्चा करेंगे। और जो है ये जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा ये आपका 13 दिसंबर तक रहेगा, 13 दिसंबर तक रहेगा नक्षत्र परिवर्तन। 13 दिसंबर के बाद जो है शुक्रदेव जो है ये परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि 3 राशियों में जाएंगे। पहले तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ये किसका, मूल नक्षत्र में। फिर जाएंगे ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो कि खुद का इनका नक्षत्र है। फिर उसके बाद जाएंगे ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो ये 3 नक्षत्रों में जब जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी देखना होता है कि आपका शुक्र आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, आपका शुक्र आपकी कुंडली में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, आपका शुक्र किस युति में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, आपका कौन सा लग्न है, शुक्र आपके लिए अकारक है, मारक है, योग कारक है। ये सारी चीजें बड़ी प्लस पॉइंट्स होता है, सब चीजें देखनी होती है। शुक्र आपके किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर इन 3 नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस प्रकार से आपको क्या फल वो देने जा रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पर इतनी ज्यादा डिटेल में बात ना करके, अगर आप इसका पूरा कुंडली का एनालाइजेशन कराना चाहते हैं तो आप पूरी कुंडली में बात कर सकते हैं मुझसे। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए या पे आप कॉल कीजिए। पूरा टाइम हमारे जो कॉल नंबर्स है वो पूरे एक्टिव रहते हैं, आप किसी वक्त हमारे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ आपको
कि अगर जो ये शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन है और ये शुक्र का राशि परिवर्तन है, ये आपके किस प्रकार से 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि दिवाली सर पर है, और कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर होने वाली है इस बार धन की वर्षा। जी हाँ, धन की वर्षा कौन सी राशियों पर होने वाली है, तो हम उस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो भाग्य स्थान में आपका शुक्र का गोचर होगा, और यहाँ पर जो आपका शुक्र का गोचर होगा वो आपका किस्मत के दरवाजे आपके खोलेगा, आपको धर्म की यात्राएं करवाएगा। लेकिन औरतों की वजह से घर के अंदर लड़ाई झगड़े आप लोगों को नहीं करने हैं, कुछ औरतों की वजह से खटर पटर होने की, घर में कलेश की स्थिति बन सकती है। त्योहारों का माहौल वैसे चल रहा है, थोड़े से लड़ाई झगड़ों को आपने अवॉइड करना है। यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, पिछले महीने से बेटर आपके लिए ये महीना जो है वो है मेष राशि वाले या मेष लगन वालों के लिए। तो बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों की क्या बात करें, वृषभ लगन वालों के लिए क्या करना है, वृषभ लगन वालों को करना है थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि जब भी अष्टम भाव से शुक्र गोचर होता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि सीक्रेट अफेयर्स ना आपके हो जाए, कई बार आपकी हेल्थ थोड़ी खराब ना हो जाए, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइटी हो सकती है, आपके थोड़े से रिलेशन अपनी वाइफ के साथ में थोड़े से या हस्बैंड के साथ में थोड़े से खराब हो सकते हैं। उन सब चीजों से अगर आप सावधान हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जाकर किसी मंदिर में माथा टेकें और नाक रगड़े, इससे आपको शुक्र के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे वृषभ राशि वालों को। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए। तो आपके लिए तो बेहतरीन बेहतरीन समय है आप लोगों के लिए। 8 दिसंबर तक खूब मौज लीजिए, खूब मौज, प्यार मोहब्बत रोमांस आपकी जिंदगी में फिर दोबारा से आएगा। लाइफ में छोटे छोटे फूल आपके खिलने शुरू हो जाएंगे और आपके जो है छोटे छोटे पंख लग जाएंगे, और आप जो है अपने प्यार मोहब्बत में अपने वाइफ के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में बहुत अच्छा आप इंजॉय जो है ये पूरा महीना आप करने वाले हैं, बढ़िया समय है। कर्क लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि षष्ठ भाव से जब शुक्र का गोचर होता है तो हमें हेल्थ रिलेटेड कष्ट आते हैं, औरतों की वजह से लड़ाई झगड़े यहाँ पर होते हैं, कोई लोन का काम आपका बनते बनते अटक सकता है, थोड़ा मुश्किलों से होगा लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर लोन लेने से भी अवॉइड करना चाहिए, छठे घर में शुक्र होना तो लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन यहाँ पर उतरने की स्थिति में फिर नहीं रहते। जितना आप लग्जरी के लिए पैसा जो है वो लोन लेते हैं, उतना ज्यादा आप कर्जों में फंसते 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 चल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा छठे भाव में शुक्र वाले को लोन लेने के लिए हमेशा मना करती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों की बात करें तो प्यार मोहब्बत, कोई नया इंसान, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो व्यक्ति आपकी लाइफ में थोड़े समय तक चलेगा और प्यार मोहब्बत के रास्ते आपके खुलेंगे, प्यार होगा, रोमांस होगा, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ में होंगी, आपके लिए समय जो है एक महीने का बहुत ही सारी खुशियां लेने आने वाला है। कोई नया काम आपका बन सकता है, पब्लिक डीलिंग आपकी अच्छी होगी, पेट में बहुत अच्छा आप फील करेंगे और अच्छे अच्छे खाने खाने के शौकीन हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो शादी का समय, अगर आपका शादी लायक आप हो चुके हैं तो यहाँ पर शादी के योग आपके बन रहे हैं, प्यार मोहब्बत के योग बनेंगे, घर के अंदर कुछ डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव सामान, घर को आप खूब सजाने का आपका मन करने लग जाएगा कि मैं अपने घर को पूरा सजाऊं, और आपके घर में खुशियां भी आने वाली हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको बहन को अगर अपने साथ लेकर चलते हैं, अगर अपनी बहन की सेवा करते हैं, बुआ मासी वगैरह की सेवा करते हैं, तो आपके उसके अच्छे शुभ फल प्राप्त जो है वो होंगे। शुक्र के उपाय मैं आपको दे दूंगी लास्ट में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा देखिए, जब जो कई चीजें होती है कि हम परहेज भी कर लेते हैं तो भी हमारा जो है पूरा महीना अच्छा निकलता है, तो परहेजों में भी उपाय जो है वो हो ही जाते हैं। तो कन्या लगन की बात करी तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो आप इस समय बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपका पराक्रम बढ़ चढ़कर बोलेगा, प्यार मोहब्बत होगा, पड़ोसियों के साथ में जश्न मनाएंगे आप, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपकी छोटी छोटी आप कोई घूमने फिरने जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं के योग आपके बनेंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, छोटे भाई बहनों के साथ में आपका प्यार बनेगा, और ये प्यार जो है लड़ाई झगड़े में मत कन्वर्ट करिएगा, इस प्यार को ऐसे ही रहने दीजिएगा, और आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज भी, नए प्रमोशन भी आपको मिलेंगे भाग्य की मदद से। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, वृश्चिक लगन वालों की। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो नई इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है, अपने ऊपर पैसा लगाने का, अपने फेस को साफ करने का,
अपने फेस पर ध्यान रखने का, अपनी बॉडी पर, अपने जो है ये अपनी अपने ऊपर आप पैसा खर्चेंगे, अपने ऊपर पैसा खर्चेंगे और अपने आप को तैयार व्यार होने में आपका दिमाग जो है वो जाएगा। घर के अंदर खुशियों का माहौल आएगा, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, कोई नई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई नए खाने पीने के शौकीन आप इस वक्त हो सकते हैं। तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कोई नया मकान सेल परचेज भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन में अगर कहते हैं कि लगन में जो सूर्य होता है वो सूर्य के फल, शुक्र होता है तो वो सूर्य के फलों को खराब कर देता है। थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र आ जाता है तो ऐसा इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर ना पड़े तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां पर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आएगी, आपका मन जो है खूब लगा रहेगा, आपके मन में जो है उमंगे जगेंगी और वो जो है अच्छी चीजें आपके जीवन में यहाँ पर होंगी। तो ये महीना भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, काम आपके बनेंगे, हर काम आप अपनी सुंदरता पे ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, ये समय आपके लिए बेहतरीन है तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो मकर लगन में क्या होता है कि लगन के अंदर जब आपका मकर लगन में आपके जो शुक्र है वो आपके 12वें भाव से गोचर करेगा, इस समय थोड़ा सा खर्चा आपके ऊपर हो सकता है, खर्चा अपने ऊपर हो जाए, खर्चा चाहे परिवार के ऊपर हो जाए, चाहे खर्चा जो है किसी या कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाए तो उस पर खर्चा हो जाए, या आपके एजुकेशन को लेकर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहां पर खर्चा हो जाए। लेकिन वहां पर आपके फॉरेन जाने के तो बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, पति पत्नी का पूरा सुख, शैया सुख आपको ये मिलेगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और नए नए प्रपोजल्स आपको भी जो है इस महीने में आ सकते हैं, कोई नया काम आपका हो सकता है और कुछ चीजें आप नई परचेज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी परचेज कर लें, कोई मोबाइल नया परचेज कर लें, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन में आपका जो शुक्र है वो आपका 11वें भाव में आएगा और 11वें भाव में शुक्र जो है होता है वो अच्छा होता है, शुभ ग्रह अच्छे होते हैं, पापी ग्रह भी। 11वां भाव तो आपकी इनकम का है, किसी लेडी की वजह से आपके पास कोई इनकम आ सकती है और आपके रास्ते जो है वो खुल सकते हैं। अब देखिए कुंभ लगन था और मैंने आपको बताया था कि जो है मैंने आपको बताया था कि आर्यन खान का जो है बेल जो है इस डेट के बाद जो है वो हो जाएगी और देखिए हो गई है, अब कल ही बेल हो गई है। कुंभ लगन में उसका जो शुक्र है वो आय भाव में आ गया, आय भाव में ऑलरेडी उसका शुक्र बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो जब भी जो भी हमारा ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उसके ऊपर से वही ग्रह अगर गोचर करता है तो हमें शुभ फल ही देता है। तो 11th हाउस में शुक्र आने से और सूर्य उसका नीच का है तो आधा महीना तो सूर्य नीच वाला उसको फल मिला, तो आधा महीना उसको अभी शुक्र के फल मिलेंगे, तो ये चीज होती है। तो आप देखिए बेल जो है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि वक्री शनि जो होता है सेकंड हाउस में वो बड़ा गड़बड़ करता है, तो उसका वक्री शनि सेकंड हाउस में, ऐसे में बच्चों के ऊपर जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड वक्री होता है ऐसे लोगों को जरूर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का अगर होता है तो क्योंकि वो नशे पत्तों में पड़ जाते हैं और अगर वो पापी ग्रह हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। तो अब क्या करना है, आपने 11वें घर में शुक्र आया हुआ है तो इनकम आपकी बनेगी, आपके रास्ते खुलेंगे, आपको जो है सिस्टमेटिकली काम करने का मौका मिलेगा, प्यार मोहब्बत में आपकी विजय होंगे आप, और कोई कोई आपका जो कोई केयर केस कोई चल रहा है उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों की मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा सा अपने करेक्टर को संभाल के रखना है, करेक्टर को अपने स्ट्रांग रखना है और काम में आपको सफलता मिलेगी, कोई लेडी बॉस आपकी जो है प्रशंसा भी करेगी और लेडी से आपको कोई फायदा भी होगा, कोई आपका जो भी आपका कोई पार्टनर वगैरह है उससे भी आपको बहुत फायदा होगा और आपके काम बनेंगे, कोई प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, कहीं फॉरेन के लिए आप जा सकते हैं, कोई नए रिलेशनशिप आपका बन सकता है और घर के अंदर कुछ साजो सामान का सामान आप ला सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ये समय है। तो दर्शकों मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट जो है वो किसके लिए है, मिथुन लगन वालों के लिए, और बेस्ट किसके लिए है, कन्या लगन वालों के लिए, और उससे बेहतरीन किसके लिए है, तुला लगन वालों के लिए, और बेहतरीन किसके लिए है, वृश्चिक लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए, इनके लिए भी बेहतरीन समय जो है। लेकिन सावधानी किसको रखनी है, सावधानी रखनी है वृषभ लगन वालों को, सावधानी रखनी है, सावधानी जो है रखनी है कर्क लगन वालों को, क्योंकि छठे भाव से वृषभ लगन वालों के अष्टम भाव से शुक्र के गोचर जो है यहाँ पर होंगे। थोड़ा सा आप सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को लेकर आपको चिंतित रहना पड़ेगा। दर्शकों ये था मेष से मीन तक का हाल,
लेकिन शुक्र के मैं उपाय आपको बता देती हूँ। शुक्र के उपाय क्या है कि शुक्र आपका जो है वो लग्जरी का कारक है, शुक्र आपका जो है वो आपको जीवन में जोश देता है, शुक्र जो है आपको इंटरटेनमेंट की दुनिया में लेके जाता है। जितने भी फिल्म स्टार वगैरह हैं उनके शुक्र जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, तभी उनको लग्जरी मिलती है, केतु भी अच्छा होता है तभी वो ऐश भी करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र को अच्छा करने के लिए तो गाय की सेवा कर लीजिए। गाय को जितनी सेवा करेंगे, जितना आप दही का इनटेक करेंगे, दही अपनी बॉडी में लगाकर नहाएंगे, दही से अपना फेस साफ करेंगे, दही अपने बॉडी पार्ट्स पर लगाकर नहा लेंगे, तो उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र को अच्छा करने के लिए दही के अंदर चीनी मिलाकर आप खाइए। शुक्र को अच्छा करने के लिए साफ सुथरे रहिए, पाउडर लगाकर रखिए, हमेशा परफ्यूम लगाकर रखिए, फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, फटी पुरानी बेडशीट्स निकाल दीजिए, साफ सफाई अपने घर में रखिए। शुक्र आपके किस प्रकार से ठीक नहीं होते हैं, बेडशीट्स को अच्छा रखिए, अपने पति का इज्जत कीजिए, अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, लोगों के साथ में अच्छे बनिए, शुक्र आपके अच्छे हो जाएंगे। शुक्र आपको इंटरनल सुख भी देते हैं, मतलब भारी सुख जो है वो नहीं, इंटरनल सुख, इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी शुक्र आपको देते हैं। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए चरी का दान कीजिए और चिड़ियों को हरी मूंग की दाल खिलाइए। शुक्र को अच्छा करने के लिए कॉटन जो होती है, कॉटन का आप मंदिर में दान कर दीजिए, तो उससे भी आपके शुक्र जो है अच्छे हो जाएंगे। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और राशि परिवर्तन के साथ। लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगला साल जो है वो शुक्र का है 2022, तो शुक्र बहुत कमाल करने जा रहे हैं अगले साल में। तो अपनी अपनी पत्रिकाओं को एनालाइजेशन जरूर करवाइए कि आपके शुक्र आपको क्या फल देंगे। राधे।